जाता है। क्यूटी बाबू जेरी ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रखा है? ठंडी ना लगे वालों को और बाल अच्छे से भी होते। हमारे घर पे एक पूसी पतंग आई थी। हाँ, जो पन्नी की थी। पन्नी की पतंग लिप्पू थी तो भी इतनी अच्छी उड़ी थी, लेकिन वो पन्नी की पतंग थी इसलिए बहुत अच्छी उड़ी थी। मेरे से भी उड़ गई थी। मैं वो पतंग उड़ानी आती नहीं है तो भी मेरे से उड़ गई थी। वो इतनी अच्छी पतंग थी वो पन्नी की। जेरी कहाँ जा रहा है? मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। वाह, मैं भी चल रहा हूँ। चल हम साथ चलते हैं। ओके। ये हमारी मेन प्लेट है घर की, और मम्मा का और पापा का नाम लिखा हुआ है इस पे। वाह, मम्मा ने बनाई है। और ये इतना सुंदर मौसम हो रहा है आज, पतंग उड़ाने में मजा आएंगे। कल तो बहुत फॉग हो रहा था। इस छत से हम पतंग नहीं उड़ाते, हम दूसरी छत से उड़ाते हैं, क्योंकि है ना यहाँ पे पेड़ पौधे हैं ना, तो हमें वहां से जाना पड़ता है उन सीढ़ियों से। ये है हमारी दूसरी छत जहाँ से हम पतंग उड़ाते हैं। जेरी भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ से पतंग अच्छी नहीं उड़ती, यहाँ से जल्दी उड़ जाती है। और वहाँ पे है ना पेड़ पौधे भी हैं। ये हमारे पूरे यहाँ से व्यू दिखता है पहाड़ों का, पहाड़। और वहाँ पे एक पॉन्ड भी है बड़ा सा। अभी आपको है ना उधर क्या बोलते हैं, पेड़ दिख रहे होंगे, पानी के ऊपर पूरे पेड़ हैं। तो यहाँ से उड़ाएंगे अब पतंग। कल हम जब मैं और पापा वॉक पे गए थे, कल बहुत तेज हवा चल रही थी, पूरा तूफान आ रहा था, पूरी आंधी आ रही थी। हम वॉक पे गए ना, बहुत तेज वाली ठंड लग रही थी। और रात को इन पाइपों की आवाज आ रही थी, हिल रहे थे पाइप्स। ये जो पाइप्स है ना, ये हिल रहे थे, ये ऐसे कड़कड़ हो रहा था पूरा रात, पूरी रात। और अब ये हमारे यहाँ से दिखते हैं पहाड़। और हमारे यहाँ से वो तालाब भी दिखता है। वसुंधरा राजे ने बनवाया था, जो यहाँ की सीएम थी, अब सरकार चेंज हो चुकी है तो इसे बंद कर दिया गया है। और वो आपको जो ऊपर पिलर दिख रहा है ना, उसके नीचे मोरी चूरी है, और उससे एक रास्ता उधर जयगढ़ जाता है और एक रास्ता उधर नाड़गढ़ जाता है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ नाड़गढ़ कैसा दिखता है यहाँ से। यहाँ सब पूरा दिखता है यहाँ से नाड़गढ़। वो देखो वो रहा नाड़गढ़, और उस पहाड़ के जस्ट पीछे आमेर का किला है, पर हमें वहाँ यहाँ से दिखता नहीं है क्योंकि उसके आगे पहाड़ आ जाते हैं। ये जेरी है। वो बड़ी वाली टिप नहीं होती गोल गोल, वो अंदर पड़ी है। आप ले आओ, टेबल पे है वो अंदर, अपनी स्टडी टेबल है ना उस पे। पर थोड़ी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा ऊपर कर तो कंट्रोल करना आसान होगा। आखिरकार हमारी पतंग उड़ी गई। अब मैं उड़ा दूंगी। लेफ्ट आप उड़ाओगे?
लेकिन आपने उड़ाई थी मैं कब उड़ाई कोई नहीं अब कल उड़ा लेंगे गाइस आज का व्लॉग यही एंड होता है मिलते हैं आपको कल नहीं मैं आज ही उड़ाऊंगा।